Good afternoon, dear students. So all of you take out your English textbook. See on page number 54. Lesson number 2, Shyam's horse cart. So Shyam's horse cart. What is horse cart? You all know what is horse cart, right? Horse cart means kya hota hai, aapko pata hai? Tanga. Ye dekho, jaise ghoda aapne dekha hoga. अभी तो नहीं लेकिन पहले फिलहाल ये दिखता था. अगर आप अभी ऐसे कल्याण स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे है टांगा. घोड़ा रहता है उस पर उसको ऐसे लकड़ी अटैच होती है, इस पर हम लोग बैठ के उस पर सवार करते हैं. मीन्स वो टांगे वाला अंकल जो है वो हमको लेकर सवार करता है. सो ये लेसन में है हॉर्स कार्ट्स. मीन्स शाम्स हॉर्स कार्ट्स मीन्स शाम का एक हॉर्स कार्ट था. सो लेट्स सी वॉट दे ऑल आर डूइंग. शाम जो है ये लेसन में वो क्या करता है, एक सर्कस दिखाने सबको लेकर जाता है. शाम का एक हॉर्स कार्ट होता है, वो क्या होता है, सर्कस के लिए निकलता है. जैसे ही वो सर्कस के लिए निकलता है, फर्स्ट उसको मधुमीरा मिलते हैं, तो ऐसे मधुमीरा, फिर डॉग मिलता है, तो ऐसे उसको रास्ते में मिलते रहते हैं. तो वो क्या करता है, उनको लेकर जाता है. बट आधे रास्ते में क्या हो जाता है, पिकॉक का जो फेदर होता है ना वो डॉग के कान में लग जाता है. तो डॉग ऐसे उछलता है, तो जैसे ही डॉग उछलता है वो एक दूसरे मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, तो हॉर्स डर जाता है. हॉर्स डर जाता है तो वो भागने लगता है. सो भाग के वो क्या करता है, वो सबको गिरा देता है और वो फटाफट भाग के हॉर्स वो हॉर्स कार्ट लेकर अपना कहाँ पे सर्कस की जगह पे स्पॉट्स पे पहुँच जाता है और बाकी सब गिर जाते हैं. सो लेट्स सी हम पूरा स्टोरी जो है वो अभी रीड करेंगे. सो नाउ सी हियर. Shyam started in his horse cart to go to the fair. On the way, Madhu and Meera said, "Can we come?" "Oh, yes," said Shyam. Shyam जो है अपना horse cart चलाता है, वो fair के लिए निकलता है. Fair means मेला लगा हुआ होता है. तो बीच रास्ते में उसको मधु और मीरा मिलते हैं. तो वो शाम को बोलते हैं, क्या हम आ सकते हैं? तो शाम बोलता है, हाँ आ सकते हो. फिर वो उनको बिठाकर आगे चलता है. जैसे आगे चलता है, द डॉग सॉ देम, ही आस्क्ड, कैन आई कम? ओ यस, सेड शाम. जैसे आगे चलता है डॉग मिल जाता है, तो डॉग पूछता है, क्या मैं आ सकता हूँ? तो शाम बोलता है, हाँ श्योर, आ जाओ. तो वो भी बैठ जाता है. फिर थोड़ी आगे जाते हैं, दे वो गोइंग थ्रू द फील्ड्स, द पिकॉक सॉ देम एंड आस्क्ड, कैन आई कम टू द फेयर? ओ यस, सेड शाम. जैसे ही थोड़ा आगे खेती की तरफ जाता है, फील्ड्स मीन्स खेती की तरफ जाता है, तो वहाँ पे एक पिकॉक मिलता है. तो पिकॉक शाम को बोलता है, क्या मैं आ सकता हूँ? तो शाम बोलता है, हाँ आ जाओ. तो पिकॉक भी बैठ जाता है. जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, व्हेन दे वर क्रॉसिंग द रिवर, द फ्रॉग आस्क्ड, कैन आई कम टू द फेयर? ओ यस, सेड ऑल ऑफ देम. शाम सेड, कम एंड सिट नियर मी. जैसे वो रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनको कौन मिलता है, फ्रॉग. तो वो पूछता है, क्या मैं आ सकता हूँ आप लोगों के साथ? तो सब बोलते हैं, हाँ आ जाओ. तो शाम बोलता है कि आ जाओ, आप मेरे नज़दीक बैठ जाओ. फिर थोड़ा आगे जाते हैं, दे सॉ द फेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस, द पिकॉक वॉज सो हैप्पी, इट स्प्रेड इट्स फेदर्स एंड स्टार्टेड डांसिंग. But one feather touched the dog's ear. He sprang up and barked loudly. जैसे ही थोड़े आगे बढ़ते हैं, उनको दिखता है दूर से कि अरे वाह, वो देखो फेयर कितना अच्छा लगा है. तो वो पिकॉक देख के बहुत खुश हो जाता है और वो अपना फेदर पूरा फैला के डांस करने स्टार्ट कर देती है. जैसे ही पिकॉक डांस करने लगती है, तो क्या होता है, उसका फेदर जो है डॉग के ईयर को टच होता है. डॉग के ईयर को टच होता है तो डॉग झट से ऐसे उठ के उनको भौंकने लगता है. जैसे ही वो भौंकने लगता है तो क्या होता है, देखो आगे, मधु वॉज फ्राइटेंड, मीरा फेल ऑन द फ्रॉग फेल ऑन द हॉर्स वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही रैन हेल्टर स्केल्टर. जैसे ही डॉग भौंकता है तो मधु जो है डर जाती है, मधु डर जाती है और मीरा फ्रॉक के ऊपर गिर जाती है. जैसे ही मीरा फ्रॉक के ऊपर गिर जाती है, फ्रॉक हॉर्स के ऊपर जाके गिर जाता है. जैसे ही फ्रॉक हॉर्स के ऊपर गिर जाता है,
हॉर्स डर जाता है और वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगता है। शाम फेल ऑफ, देन मधु एंड मीरा ऑल्सो फेल ऑफ, वन बाय वन ऑल ऑफ देम फेल ऑफ। पहले शाम गिर जाता है, फिर मधु मीरा भी गिर जाते हैं, एक एक करके सब हॉर्स कार्ट से नीचे गिर जाते हैं। द हॉर्स केप्ट रनिंग एंड स्टॉप्ड व्हेन इट रीच्ड नियर द फेयर। हॉर्स जो है भागते रहता है और जब वो फेयर के नज़दीक पहुंचता है तब वो रुक जाता है। शाम मधु मीरा द डॉग द पिकॉक एंड द फ्रॉग वर ऑल पैंटिंग व्हेन दे रीच्ड। टिल देन द हॉर्स बिकम क्वाइट एंड रिलैक्स्ड इन द इवनिंग दे रिटर्न हैप्पीली इन द हॉर्स कार। शाम मधु मीरा जो होते हैं वो तो गिर जाते हैं आधे रास्ते में, बट हॉर्स जैसे ही पहुँचता है वो भी भाग भाग कर आ जाते हैं। वो सब जो है बहुत एंजॉय करते हैं। द हॉर्स जो है बहुत क्वाइट एकदम चुप हो जाता है और रिलैक्स्ड हो जाता है, बिकॉज वो उनको छोड़ के तो आ गया, बट उसके बाद वो सर फेयर के यहाँ पे आके क्या होता है, चुप बैठ जाता है बेचारा और वो रिलैक्स हो जाता है। और जैसे ही शाम होती है वो सब अपने शाम के हॉर्स कार्ट पर बैठ के अपने अपने घर बहुत खुशी खुशी चले जाते हैं। सो इट्स अ स्मॉल लेसन इज शाम्स हॉर्स कार्ट। सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।